बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, वो रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। मैं बना रही हूँ बीफ चना पुलाव। ये मैंने एक बार खाई, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने फिर इसकी रेसिपी ली और दो तीन बार घर में ट्राई की, बहुत अच्छी बनी। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपसे भी अपनी ये रेसिपी शेयर करूं, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। उसके लिए मैंने लिया था ये तकरीबन 750 ग्राम बीफ, 3 पाव 750 ग्राम बीफ। इसको मैंने, जैसे मैं आपसे पहले अपनी यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, उस तरीके से मैंने यखनी बना ली थी और इसको बोटियाँ अलग कर ली। और ये यखनी है जितने मुझे चावलों के लिए चाहिए, उतनी मैंने ये यखनी जग में डाल के रख ली है। 750 ग्राम जो मैंने बीफ लिया था, उसमें मैंने तकरीबन 6-7 कप पानी के भर के डाल दिए। और एक जो मैं पोटली बनाती हूँ, पोटली पुलाव की तरह बनाती हूँ, उसमें एक खाने का चम्मच धनिया, एक खाने का चम्मच सौंफ, एक खाने का चम्मच मिक्स गरम मसाला, उसमें बादियान फूल थे, छोटी इलायची थी, बड़ी इलायची थी, और नमक, और उसमें गरम मसाले में काली मिर्चें, ज़ीरा, उसको डाल के, और मैंने एक सौंठ का टुकड़ा भी लिया था। उसको मैंने एक बोटली बना ली और एक साबत लहसुन डाल के, नमक डाल के मैंने इसकी यखनी बना ली। ये बोटियाँ मैंने निकाली, यखनी अलग कर ली, छान ली, ताकि उसमें जो छोटी बोट थोड़ी बहुत नीचे ना हड्डियाँ जो होती हैं, हड्डी वाला गोश्त होता है ना, वो थोड़ी सो उसमें से हड्डियाँ जो हैं वो नीचे यखनी में आ जाती हैं। तो आप उसको छान लें और बाकी वो डिस्कार्ड कर दें। लहसुन भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया और वो पोटली भी। और ये लिए हैं मैंने 1/2 kg, 1/2 kg चावल सेला। सेला राइस से आज मैं पुलाव बना रही हूँ और सेला राइस बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें जाएगा ये 1 कप चने, वाइट वाले सफ़ेद चने, बीफ चना पुलाव है। और एक टमाटर लिया था बड़ा मैंने, फुल साइज़ का, उसको मैंने हाफ स्लाइस में काट के रखा है। 4 सब्ज़ मिर्ची जाएंगी, 2 खाने के चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, 1 कप इसमें ऑयल जाएगा, बाकी नमक जो हम इसमें यखनी में डाल चुके हैं, और अगर हमें ज़रूरत हुई तो नमक, गरम मसाला, काली मिर्चें, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बीफ चना पुलाव। ये एक बड़ी कढ़ाई ले ली है मैंने, चने भी हैं, गोश्त भी है, राइस भी, तो खुले होके अगर हम पकाएँ तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, पहले डालूंगी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला हम इसमें डालेंगे, चौथा स्टिक दालचीनी के और काली मिर्चें, जीरा, और इसमें डाल देंगे छोटी इलायची, खुशबू आएगी छोटी इलायची की, बीफ बोटियों को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे हम, ताकि इसकी खुशबू भी आए और अदरक लहसुन का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। इसको मैं फ्राई करती हूँ, फिर मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। अब इसमें डाल देंगे ये चने, वो इसको मैंने अच्छा सा फ्राई कर लिया है, आँच को थोड़ा सा कम कर दे। फिर हम इसमें डालते हैं मसाले,
थोड़ा सा गरम मसाला अभी भी डालूंगी और बाकी डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, बादियान फूल पिसे हुए हैं, ये साबत मैंने पोटली में डाल दिया था उसकी फ्लेवर आ गया होगा, और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ साबत पहले डाल दिया था। और नमक, नमक टेस्ट के साथ है, अभी दो चाय के चम्मच डाल दूँ मैं क्योंकि यखनी में भी है ना। सब मसाले डाल दिए, मिक्स हो गए, फ्लेवर आ रहा है इसमें गोश्त में, चनों में, और इसमें डाल दूंगी मैं ये टमाटर। ब्राउन प्याज जाएगी इसमें दो खाने के चम्मच, वो फिर वही बात हो गई कि मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मैं सामने ना रखूँ फिर वो चीज़ मैं भूल जाती हूँ। दो खाने के चम्मच भर के, थोड़ी सी गार्निश में भी हम डालेंगे। ये घर की बनी हुई प्याज है, इसका कलर ऐसे लगता है लेकिन जब ये खुल जाते हैं इसमें मिक्स हो जाते हैं फिर इसका कलर बैलेंस हो जाता है। दही चूंकि ऑप्शनल है इसलिए मैंने बताई नहीं, लेकिन मैं जरूर डालती हूँ दही। ये देखें अब ब्राउन प्याज का कलर कितना खूबसूरत हो गया है। दही डाल दी थी उसमें थोड़ा सा अपना पानी, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये स्टॉक यखनी, इसमें डाल दी। ये मुझे जितने राइस हैं ना उसके हिसाब से मैंने बना ली थी, अब इसमें जब बॉयल आ जाएगा फिर बस मैं इसमें चावल डाल के पका लेंगे। ये देखें माशाल्लाह पानी बॉयल होना शुरू हो गया। बीफ चना पुलाव इसमें डाल दूंगी मैं ये सब्ज़ मिर्चें, और अब आप इसमें डाल देंगे ये राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन इनको 3 से 4 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। सेला राइस हैं, जितना अच्छा भीगेंगे उतने ही अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट भी और खिले हुए भी। आलू और कीमे की बिरयानी बनाई थी मैंने इन राइस से, बड़ी मज़े की बनी थी, खिली हुई भी और सॉफ्ट भी, जैसी मेरी फैमिली को पसंद है। का पानी और थोड़े से जो है निकाल के सारे राइस में डाल देती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। सारे डाल देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। चूंकि ये सेला राइस है इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी रहने दूंगी।
और ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, बहुत अच्छे बने। और खिले हुए भी होंगे। अब बस इस स्टेज पे मैं इसको दम लगा दूंगी और गरम मसाला छिड़क के। इस पे गरम मसाला डाल दिया मैंने। जो कच्ची बासमती राइस होते हैं ना, उनको 10 से 15 मिनट देते हैं दम, इसको मैं तकरीबन 20 मिनट दूंगी। बस ये दम लगा दिया मैंने। ये देखिए माशाल्लाह दम आ गया है सेलम राइस। ये देखें माशाल्लाह से दम के बाद और थोड़ा फूले हैं, आपने देखा फूल हो गया। अब मैं इसको कर दूंगी फ्लेम ऑफ। इसको थोड़ा सा चम्मच में चला दिया। सेला राइस वैसे जुड़ते नहीं हैं आपस में, उनका यही फायदा है, लेकिन फिर भी अगर नरम हो जाए तो जुड़ भी जाते हैं समटाइम्स। बस इसकी थोड़ा सा स्टीम निकाल के ये अब जुड़ेंगे नहीं सब इसे। मैंने एक सिंगल प्लेटर को थोड़ा सा खीरे से और टमाटर से सजाया, उसमें इसको सर्व कर। ये देखें माशाल्लाह बीफ चना पुलाव रेडी है। इसको हम कर देंगे, मैं एक सिंगल प्लेट में इसको सर्व कर रही हूँ आज। मैंने थोड़े सा सलाद खीरा और टमाटर से इसको सजा दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये सर्विंग भी पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ चना पुलाव रेडी है। तो चने बोटियाँ डालें आप इसमें, ताकि पता चले कि ये बीफ पुलाव है, बीफ चना पुलाव। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।